तो कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि हमारा जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारे के लिए होगा, तो आज हम लोग जा रहे हैं बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारे को विज़िट करने। और अभी मैं राजनगर शहर में हूँ जो कि मेरे गांव से कुछ 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जब हम लोग हनुमानगढ़ के गुरुद्वारे को एक्सप्लोर कर रहे थे तब मुझे इस बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में पता लगा। और इस गुरुद्वारे का इतिहास सुनने के बाद मेरे मन में इच्छा थी कि मेरा जो अगला व्लॉग होगा, जो नेक्स्ट व्लॉग होगा, वो मैं बनाऊंगा इस बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारे पर। और हम बातों ही बातों में कब बूढ़ा जोड़ के इस गुरुद्वारे की ओर पहुंच गए हमें पता ही नहीं लगा। और बस से उतरते ही यहाँ के बस स्टैंड से कुछ 1 या 1.5 किलोमीटर सामने ही आपको गुरुद्वारा दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक ट्रैक्टर वाले अंकल आ रहे थे तो उनसे मैंने लिफ्ट मांगी तो उन्होंने ट्रैक्टर रोका। और उसके बाद हमारे सफ़र का साथी बना ये एक ट्रैक्टर और इन्होंने मुझे गुरुद्वारे के सामने उतार दिया। इसके बाद हमने अंकल को थैंक यू कहा और अंकल चले गए। और फिर हम लोगों ने इस गुरुद्वारे के दर्शन किए। तो मैं करके आता हूँ गुरुद्वारे के दर्शन और आप लोग इन्जॉय कीजिए इस गुरुद्वारे के सभी वीडियोस को। तो हम आगे बात करेंगे इस गुरुद्वारे की हिस्ट्री के बारे में। वैसे इस बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारे को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे शहीदों के गुरुद्वारे के नाम से भी पुकारा जाता है। और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी कोरोना समय चल रहा है तो यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। ये एक हिस्टोरिकल पैलेस है जहाँ सिखों के इतिहास को बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। और यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब के दर्शन किए और प्रसाद लिया और उसके बाद बाहर की ओर निकल गया सरोवर के दर्शन करने के लिए। यहाँ प्रत्येक अमावस्या के दिन हर बार एक बड़े मेले का आयोजन होता है और उस मेले के दौरान यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है कि यहाँ पर नज़ारा देखने लायक होता है। लेकिन अभी कोरोना समय चल रहा है तो यहाँ पर सेफ्टी को देखते हुए यहाँ पर भीड़ को भी थोड़ा कम किया गया है। और इसके बाद हम लोगों ने पूरे इस गुरुद्वारे परिसर को एक्सप्लोर किया और पूरी एक एक जगह को देखा। और यहाँ पर गुरुद्वारा परिसर को अच्छी तरीके से घूमने के बाद मैं यहाँ कुछ समय के लिए यहीं पर सरोवर के पास बैठ गया। और अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है यहाँ इस सरोवर का नज़ारा। और इसके बाद मैं चला गया लंगर हॉल की ओर। यहाँ लंगर घर में मैं कुछ लोगों से मिला और इन लोगों से बातचीत कर बहुत अच्छा लगा। और इन लोगों ने बातों ही बातों में मुझे बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी और उन्होंने मुझे बताया कि ये जो बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा है इसका इतिहास बहुत पुराना है और इसका जो मेन गुरुद्वारा है और यहाँ पर एक किला भी है जो कि इस गुरुद्वारे के पीछे की ओर है।
और हम लोग अभी हम जा रहे हैं उसी गुरुद्वारे को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन अभी आप जो देख रहे हैं वो यहाँ का पुराना किला है जो 1740 से यहाँ पर मौजूद है। अभी यहाँ पर इसके थोड़े बहुत अवशेष बचे हैं, यहाँ पर कुछ मतलब कि पुरानी चीज़ें पड़ी हैं। और ये जो दूसरी तरफ देख रहे हैं ये है उस समय का गुरुद्वारा। तो अभी हम जिस जगह पे हैं वो है किला। ये जो किला है वो कच्ची ईंटों से बना हुआ है। यहाँ पर दो कमरे अभी भी उनके थोड़े थोड़े अवशेष बचे हुए हैं। वैसे ये जो बाहर का आवरण है ये बाद में बनाया गया है पक्की ईंटों से, लेकिन जो मेन इसका रूप है वो अंदर की तरफ है जो कि कच्चा बना हुआ है। और यहाँ पर पुरानी कुछ चीज़ें भी पड़ी हैं। इसके बाद हम उस दूसरे कमरे में गए इसके बाद हम लोग निकल पड़े उस गुरुद्वारे की तरफ जो यहाँ पर 1740 से आज भी यहाँ पर है। और ये गुरुद्वारा यहाँ का सबसे पुराना गुरुद्वारा है। और यहाँ पर आते जो मैंने इतिहास पढ़ा तो उसके बाद मुझे लगा कि मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था यहाँ आने का। और ये वही पेड़ का तना है जहाँ मस्सा रंगड़ के सर को काटकर इसी तने पर टांग कर रखा था। और ये सब देखने के बाद हमने यहाँ के सबसे पुराने गुरुद्वारे के दर्शन किए। इसके बाद यहाँ पर जो पाठी जी थे उन्होंने मुझे यहाँ के सिखों का इतिहास बताया। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर एक जोड़ा हुआ करता था, यानी कि एक पानी का तालाब। और यहाँ पर सिखों के जत्थेदार बूढ़ा सिंह अपने जत्थे के साथ यहीं पर रहते थे। और उन्होंने बताया कि जब हरमंदर साहिब अमृतसर में मस्सा रंगड़ ने वहाँ पर शराब और वेश्याओं का नाच का दौर चला दिया था, तब जत्थेदार बूढ़ा सिंह ने अपने जत्थे में सभी सैनिकों से कहा कि कौन वो वीर है जो मुझे उस मस्सा रंगड़ का सर ला कर देगा। तब उस समय बाबा सुखा सिंह और बाबा मेहताब सिंह ने खड़े होकर कहा कि हम लोग अमृतसर जाकर उस मस्सा रंगड़ का सर कलम करके यहीं पर लेकर आएंगे। और उसके बाद मस्सा रंगड़ का सर कलम करके उसे यहीं पर, जो आपने पहले यहाँ पर जो एक पेड़ का तना देखा जिस पर एक सर टंगा हुआ था, वहीं पर लाकर उसका सर टांग दिया था। उसके बाद से ही ये गुरुद्वारा काफ़ी फेमस हो गया और यहाँ पर अब आए दिनों यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। और ये एक म्यूजियम है जहाँ पर सिखों के इतिहास को फोटोज़ के द्वारा, और यहाँ पर कई किताबें भी पड़ी हैं जहाँ इनके इतिहास को आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद मैं निकल पड़ा बाहर की ओर। और यहाँ पर गुरुद्वारे के अंदर ही बहुत सी छोटी छोटी दुकानें और बच्चों के खेलने के लिए, और सामने ही एक मूर्तियों से बना हुआ एक मतलब कि एक्ट दिखाया हुआ है जो कि उस समय का है जब मस्सा रंगड़ के सर को यहाँ पर इस गुरुद्वारे में यहाँ पर लाया गया था। और इसके बाद बाहर की ओर आया, और यहाँ पर बाहर की ओर आने के बाद मैंने सामने जो देखा था, मेरे दिमाग में ये था कि ये सामने क्या है, तो मैं उसे देखने के लिए यहाँ पर चला गया।
लेकिन अभी ये पूरा तैयार नहीं है। इसे राजस्थान सरकार, ये एक म्यूजियम है जहाँ सिखों के द्वारा किए गए बलिदान, उनके द्वारा किए गए कामों को इस म्यूजियम के अंदर दिखाया जाएगा, लेकिन अभी ये खुला नहीं है, तो इसमें क्या होगा, क्या बनेगा, हम उसके बारे में नहीं कह सकते। और यहाँ पर मैंने अपना वीडियो व्लॉग कंप्लीट किया। इस गुरुद्वारे को विजिट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मैं अकेला आया था, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मैं बहुत से लोगों से मिला, उनसे बातचीत की, और उन लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों को ये वीडियो व्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए हमारे पुराने वीडियोस। तो मिलते हैं जल्द ही।